खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस में परसों शामिल हुई अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया है। कांग्रेस ने मुंबई नॉर्थ से उम्मीदवार बनाया है उर्मिला मातोंडकर को। अब उनका मुकाबला बीजेपी के गोपाल शेट्टी से होगा। परसों राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई थी, तो गोपाल शेट्टी और उर्मिला मातोंडकर के बीच मुंबई नॉर्थ की टक्कर होनी है। एक बार गोविंदा ने राम नाईक को हरा दिया था और राम नाईक बहुत बड़े नेता थे, तो अभिनेता जो है वो नेता के ऊपर भारी पड़ा था। ऐसे में अब ये टक्कर भी इंतजार रहेगा उर्मिला मातोंडकर और गोपाल शेट्टी का। उर्मिला मातोंडकर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की, वो सुनिए। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। संभवतः वो मुंबई के उत्तर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। हमारे साथ उर्मिला जी, उनसे बात करते हैं। उर्मिला मैम, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगी? अब तक आपकी पहचान तो एक अभिनेत्री के तौर पर, अब अभिनेत्री से राजनेता, पॉलिटिक्स। पहले तो आप सभी मुझे टिकट देने में ज्यादा उत्सुक मुझे लग रहे हैं लेकिन टिकट विकेट के सवाल मेरे दिमाग में है नहीं, पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं है। मैं समझती हूँ एक ऐसा वक्त आया हमारे देश में कि जहाँ पर अपने व्यक्तिगत विचारों के लिए, अपने मूलभूत अधिकारों के लिए अगर हम आज खड़े नहीं हुए, अगर हमने ये सवाल नहीं सोचे कि जिस व्यक्ति ने हमें इतने बड़े विकास, इतनी बड़ी चीज़, इतने अच्छे दिनों का वायदा किया था, उनमें से कितने अच्छे दिन हमें दिखे हैं और क्या दिखा है इन 5 वर्षों में, अगर ये सवाल मैंने और आपने सारे लोगों के सामने नहीं दिखाया, जो शायद नहीं देखना चाहते, मुझे लगता है बहुत लोग ये देख भी रहे, शायद उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, तो मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी। और मैं बस इसी के ऊपर अभी के लिए बात करना चाहती हूँ। ग्लैमर इंडस्ट्री से बहुत से लोग राजनीति में तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो अनुभव होता है वो अच्छा नहीं होता है। बहुत से लोग पॉलिटिक्स छोड़ जाते हैं, कुछ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। आप भी अब एंट्री की हैं, आप क्या मानकर चल रही हैं? मैं इतने आगे का सोच के कैसे चल सकती हूँ, मैं अभी का सोच के चल सकती हूँ। और क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मकसद सही है, मेरे ख्याल से उसका अंजाम भी सही होगा। ये लोगों के मन में संशय है कि क्या उर्मिला मातोंडकर सिर्फ 29 अप्रैल तक उस नॉर्थ मुंबई या मुंबई में दिखेंगी, या ये लॉन्ग टर्म के लिए आप पॉलिटिक्स में आई हैं, कांग्रेस के लिए राजनीति करेंगे? सबसे पहले तो 29 अप्रैल तक मुझे अभी तक टिकट ही नहीं मिली है, तो 29 अप्रैल क्यों, फिर तो आप बोलेंगे हफ्ता भर में ही भाग जाऊंगी। लेकिन क्योंकि जितनी इस हिसाब से मुझे ट्रोलिंग हो रही है, जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो तो कभी भी हो सकता है। लेकिन ऐसा मेरा कोई, मैंने जिंदगी में, आपने अगर मेरी करियर के बारे में कुछ जाना है, कोई चीज़ हाफ हार्टेडली नहीं की है, ना मैं अभी शुरुआत उसकी करना चाहती हूँ। इसकी आपने 3-4 दिन से मीडिया में चर्चा सुनी होगी, इसके लिए ये डिसीजन बाहर आने में लेट हुआ, क्योंकि मैं इसके ऊपर पूरे जितना कर सकती हूँ विचार विमर्श करके ये डिसीजन देना चाहती थी, तो आई एम हियर टू स्टे। लेकिन जैसे हमें पहले 4 दिन पहले सूचना मिली कि आपकी बातचीत चल रही है और आप पार्टी में शामिल होंगी, ऐसे ही सूत्रों से जो आपके कांग्रेस के हैं हमें बताया कि आप ही लड़ेंगी, जो नॉर्थ की सीट है पिछली बार कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी थी, 4,46,000 का कुछ आंकड़ा। मैं आपको यहाँ पे रोकने वाली हूँ बीच में, सॉरी, लेकिन बात यह है कि ये सारी चीजें मैं अभी से रियली मैं नहीं कह सकती, क्योंकि दैट वुड बी रॉन्ग। मुझे लगता है ये जो तर्क वितर्क, ये जो निकष लगाए जाते हैं, उसी की वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन का माहौल फैलता है, तो अगर अनाउंस हुआ तो जरूर करेंगे इसके बारे में बात। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा अलग अलग दावा करती है कि एक लीडरशिप है, एक कठोर फैसला लेने वाला व्यक्ति है, क्या लगता है कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है, और आपको राहुल गांधी क्यों पसंद है? कठोर फैसला वर्ड से ही मुझे दिक्कत है, फैसले हमेशा कठोर हो तो सही हो इसकी जरूरत नहीं होती, फैसले सही होने की जरूरत होती है। और मुझे लगता है फैसले किस हद तक सही है इसका जवाब तभी मिलता है जब आप उसके निकष पे पहुंचते हो ना, और मुझे लगता है 5 बरस के निकष हमारे सामने नहीं है, आपको नहीं दिख रहे, तो आपको नहीं लगता कि ये आपके सामने भी देखने के लिए और बोलने के लिए है, तो बस वही बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उर्मिला जी, जो कि संभवतः कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, जिनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों में जो निष्कर्ष नतीजे दिखने चाहिए थे वो नहीं दिखे हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।